थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 5। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को डाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीही यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्य द्वाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु को शपथ देता हूं कि ये पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे।